हेलो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे लकी वन जाना था, मुझे अपना बेस चेंज करवाना था। मैंने कौन सा बेस लिया था मैं आपको बताती हूँ। और ये है लकी वन का स्टाइलो स्टाइलो स्टाइलो। इसकी सैंडल मेरी कभी भी लंबी नहीं चलती, हमेशा कुछ ना कुछ फॉल्ट उसमें निकलता ही है। कभी भी इनकी सैंडल मेरी लंबी नहीं चलती, हमेशा जल्दी टूट जाती है। पता नहीं इनके साथ मसला है, इनकी सैंडल्स मुझे पहननी नहीं आती। मैंने कभी नहीं पहनी सैंडल्स अच्छी वाली। खैर, मुझे अपना बेस चेंज करवाना था क्योंकि मेरा बेस गलत आ गया था। मैंने एवलिन की बहुत तारीफ़ें सुनी थी, इन्होंने मेकअप का सारा डिपार्टमेंट एंट्रेंस की तरफ कर दिया था। मैंने यहाँ से एवलिन का बेस लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने यूज़ भी कर लिया है बेस, अपने तारीफ़ें बहुत की थी कि ये वाला लो ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आपको पता है ड्राई स्किन के लिए सिरम और एवलिन का बेस बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें पैचेस वगैरह नहीं पड़ते, इसमें स्पॉट्स नहीं पड़ते, डार्क डार्क जो नोज़ के ऊपर आ जाते हैं पैचेस वो नहीं आते। ये तो हो गई बेस की बात। मुझे यहाँ अपने दिव्य की बेटी के लिए गिफ्ट वगैरह भी लेना था। मैंने बहुत सारे चीज़ें ढूंढी, मुझे इतना कोई ख़ास गिफ्ट पसंद नहीं आया। मुझे यहाँ पे डॉल बहुत अच्छी लगी थी एक, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। डॉल्स थी बहुत प्यारी, लेकिन इनके रेट्स भी ना बहुत ज़्यादा देखने वाले थे। इस सेक्शन में कुकीज़ वगैरह थी और स्वीट्स वगैरह थी। जो ब्लैक वाले स्वीट्स हमें इसे सूरजमुखी के बीच कहते थे। ये सूरजमुखी के बीच कभी ना कभी किसी ना किसी ने खाए ज़रूर होंगे, यकीन मुझे 100% श्योर में कभी ना कभी खाए ज़रूर होंगे। ये है वीट पोरे, जैसे गंदम का दलिया कहते हैं, हम इसे बचपन में फौजी दलिया कहते थे। ये बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, बच्चों को हेल्दी करता है, इनका पेट काफ़ी लंबा देर तक भरा रहता है। कोको क्रंच है, ये कोको क्रंच चॉकलेट बॉल क्रिस्पी बॉल, ये सारी बॉल्स मुझे सेम ही लगती हैं। हनी पॉप्स हो गए, क्रिस्पी क्रंच हो गया, अलग अलग नेम है, अलग अलग ब्रांड है, लेकिन टेस्ट वगैरह मुझे सेम ही लगता है क्योंकि मैंने काफ़ी सारा ट्राई किया हुआ है। लेकिन हाँ, ये क्रिस्पी क्रंच मुझे इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है, इसमें मीठा बहुत अच्छा होता है। ये जिम वगैरह, यहाँ पे एक्ट्रेस वगैरह आते हैं लकी वन के अंदर। ये जिम, मैंने यहाँ मेम्बरशिप पूछी थी, यहाँ पे मेम्बरशिप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, लेकिन 10,000 पर मंथ था एक बंदे का। ये लेडीज़ हैं, जेंट्स जिम है। मैं जब यहाँ की वीडियो बना रही थी, जो लोग खड़े हुए हैं, मुझे यहाँ से स्टाफ इनका मुझे हाथों से इशारा कर रहा था यहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं, यहाँ से जाएँ जाएँ जाएँ, लेकिन मुझे वीडियो आप लोगों के लिए बनाना ज़रूरी थी। ये अगेन दोबारा इस पर अपनी राइट्स लेने के लिए आराम से बैठी हुई थी।